तो मनोज जी, बहुत ही प्यारा दृश्य हमने आपको दिखाया, कैसा लगा आपको यहाँ आकर? हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू मनोज जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आ चुके हैं श्री वीर हनुमान जी के, जो कि सामूत में स्थित है, और अभी हम आपको लेके चलेंगे श्री वीर हनुमान जी के। और उससे पहले, जो हमारे इस चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। और अभी हम आपको यहाँ कुछ व्यू भी दिखाएंगे और अब हम चलते हैं। ये है वीर हनुमान जी की हरी भरी घाटियों के बीच बसे हुए बालाजी महाराज का ये दृश्य है, और यहाँ पर बहुत ही मनमोहक दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये ऐसी घाटियाँ हैं, बड़ी ज़बरदस्त आपको देखने का आनंद आएगा। हम आपको अब लेकर चल रहे हैं बालाजी महाराज के स्थान पे, तो चलते हैं, आइए। यहाँ से नहीं बेटा, उधर से रास्ता, एक नए रास्ते से आज लेकर जा रहे हैं। जैसे वैष्णो देवी में बनाया हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पर भी सीढ़ियों के अलावा एक रास्ता और नया तैयार किया है। तो दोस्तों, हम आपको एक ऐसे रास्ते से, नया रास्ता जो बना है, उस रास्ते से हम आपको लेकर जा रहे हैं, क्योंकि सीढ़ियों में आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो ये थोड़ा पहाड़ काट के ही रास्ता बनाया गया वीर हनुमान जाने के लिए। तो आइए चलते हैं वीर हनुमान जी की तरफ। यहाँ हो सकता है कार सीधी जाए, कार से सफ़र करना आसान हो जाएगा जिस प्रकार से ये बनाया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा, मतलब पहाड़ को काट के ये नव निर्माण किया गया है। तो आज हम इस नए वाले रास्ते से वीर हनुमान मंदिर चढ़ रहे हैं। रोपवे में खाद्य सामग्री ऊपर पहुंचाई जा रही है, दिखाना मनोज जी, रोपवे दिखाओ। बहुत ही प्यारे तरीके से रोपवे से ये खाद्य सामग्री ऊपर पहुंचाई जा रही है, और अब आप बहुत ही प्यारे नज़ारे इन हरी भरी पहाड़ियों के देखिए। चारों तरफ पहाड़ियाँ और चारों तरफ इतनी ज़बरदस्त हरियाली आपको देखने को मिल रही है, और हम भी यहाँ आनंद लेने के लिए आज यहाँ आए हुए हैं। और आप देखिए, बहुत ही प्यारा, जो दुर्गम रास्ते थे उसको कितना आसान बना दिया। आने वाले समय में इस जगह पे आपकी गाड़ियाँ बड़े आराम से आएगी, और गाड़ियों के माध्यम से आसानी से आप वीर हनुमान जी के मंदिर तक आप पहुंच पाएंगे। फिलहाल गर्मी का टाइम है, हमारे पसीने काफ़ी आ चुके हैं और मैं पसीने साफ करता जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आज हीटिंग है। आप नीचे के नज़ारे देखिए, जब तक बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। जैसे जैसे आप ऊँचाई पर जाते हो, आपका देखने का अनुभव अलग हो जाता है। बहुत ही प्यारा अनुभव यहाँ से हमें मिल रहा है, और देखिए कितना प्यारा सीन है, कितनी प्यारी सीनरी है। ये प्रकृति की एक ऐसी छटा बिखेर रही है, बहुत ही अद्भुत, ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग का आनंद आ रहा हो। ये स्वर्ग है हमारे जयपुर सामूत का, यहाँ रहते हैं हमारे वीर हनुमान जी बालाजी महाराज। यहाँ कई चमत्कार आपने सुने होंगे, किससे सुनने को मिले हैं हमें भी, और मन की आस्था है। आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस चैनल को जल्द से जल्द, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करें अगर अच्छा लगे तो, और लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, हमारा उत्साह बना रहे। बहुत ही दुर्गम चढ़ाई थी जिसको बहुत ही आसान बना दिया, और आने वाले समय में यहाँ पे रोड का निर्माण होने वाला है। यहाँ से बस अब थोड़ी दूर की और दूरी बची है, और हम चलते जा रहे हैं, और बहुत ही प्यारे दृश्य हमने आपको दिखाए हैं हरी भरी घाटियों के बीच में। और अभी हमारे कैमरामैन दुर्वा कुमावत हमारे साथ। दुर्वा हाय,
तो हमारे साथ है कैमरामैन दुर्वा कुमावत। दुर्वा कुमावत एक बहुत ही होशियार कैमरामैन है, साथ साथ हमारी बहुत अच्छी एंकरिंग भी करती है। आपने देखा होगा शुरू के अंदर वेलकम बैक जो बोल रही थी वो थी दुर्वा कुमावत। बहुत ही प्यारी और नैन होनहार बच्ची है जो कि अब आने वाले टाइम में एक बहुत ही अच्छी यूट्यूबर बनने वाली है। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। तो मनोज जी, बहुत ही प्यारा दृश्य हमने आपको दिखाया, कैसा लगा आपको यहाँ आकर? पर कई बार आ चुका हूँ और जब ये रास्ता बना है उस समय से तीन बार आ चुका हूँ ये छोटे बार में चढ़ने का। बहुत ही सुंदर, अभी दुर्गम रास्ते दिखाई दे रहे हैं आपको, मगर आने वाले समय में ये बहुत अच्छे रास्ते बन जाएंगे। तो दोस्तों हम चढ़ के आ चुके हैं अब पूरी तरह, बस थोड़ी सी दूरी की और बात है और आनंद आ रहा है, पसीने में लथपथ हैं और बच्चे हमारे साथ हैं। बहुत ही आनंदमय यात्रा हमारी आज की रही है और अब कुछ ही देर में हम बालाजी महाराज के मंदिर में पहुंच जाएंगे। और हमारे कैमरामैन इस वक्त मनोज कुमावत जी जो कि बहुत ही प्यारा शूट कर रहे हैं हमारा, और ये हमारे मित्र हैं बचपन के मनोज कुमावत जो कि अभी एक एज ए कंपाउंडर की नौकरी कर रहे हैं। इनको एक शौक़ है वीडियो बनाने का, तो इनके साथ आजकल मेरा भी शौक़ लगा हुआ है। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। आइए, सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया इस रोपवे पे, मगर अफसोस ये बिल्कुल जंग खा रही है। इसकी आप देख रहे हो पत्तियाँ पूरी तरह जंग खा चुकी है, ये सीढ़ियाँ भी देख रहे हो आप जंग खा रही है। धीरे धीरे आने वाले टाइम में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इसका किसी को लाभ मिला ही नहीं आज तक। मतलब इसको बनाने का इतना लाखों रुपया, मतलब जहाँ तक मैं मानता हूँ करोड़ों रुपया लगा होगा इसमें बनाने में, और आज ये यूजलेस रखा हुआ है, किसी के कोई काम नहीं आ रहा, ये बंद पड़े हुए हैं। अगर काश ये चालू होते तो शायद यात्रीगण इसका लुत्फ उठा सकते थे। यहाँ तक गाड़ियाँ आ जाएंगे तो पार्किंग कहाँ करेंगे यहाँ पे, गाड़ियों की पार्किंग तो बने पहले। बालाजी बैठा, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्री वीर हनुमान जी के मंदिर जो कि आप देख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा कठिन, इतना मतलब जो हमने जितना हमें लगा था कि बहुत कठिन होगा लेकिन वो बहुत कम था और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम जो जहाँ से कच्चे रास्ते से आए थे वो बहुत ही ज़्यादा इजी रास्ता था जहाँ से आप लोग श्री वीर हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। तो हम बहुत ही मेहनत के बाद श्री वीर हनुमान जी के मंदिर पहुँच चुके हैं, अब हम चलते हैं अंदर। तो चलते हैं, चलो। जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम। तो आप
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और जो हमारे इस चैनल में नए हैं हमारे चैनल को जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पर सेट कर दो, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, और कमेंट में श्री जय श्री हनुमान लिखना मत भूलना। और तो ऐसी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान।